अनुराग ठाकुर अब तक हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने हैं। महज 47 साल की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल कर अपना स्थान तो ऊंचा किया ही, देवभूमि का भी कद बढ़ाया है। अनुराग ठाकुर दो दो मंत्रालय एक साथ संभालेंगे। अनुराग ठाकुर को युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। ये पहली बार है जब प्रदेश में किसी नेता को केंद्रीय सरकार में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। यहाँ से अभी तक वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, आनंद शर्मा और जगत प्रकाश नड्डा ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग का बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की सूची में 15वां नाम था। ये सूची बाहर आई तो ये पहेलियां बुझाई जाती रही कि वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे या राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार पाएंगे। फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली तो पूरे प्रदेश के लिए ये बड़ी बात बन गई। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अनुराग ठाकुर प्रदेश में सरकार और संगठन के कार्यों में लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जाहिर सी बात है कि वो यहाँ विकास कार्यों और संगठन की सियासत पर भी अधिक दखल रख सकेंगे। अनुराग की इस नियुक्ति को अगले साल प्रस्तावित हिमाचल विधानसभा के चुनाव को लक्षित कर भी देखा जा रहा है। मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ, वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूँगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊँ। यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर की जुगलबंदी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में अनुराग ठाकुर शौक रखते हैं और गाहे बगाहे इस बात का संकेत भी देते हैं। इधर प्रदेश में जयराम ठाकुर अपने बलबूते संगठन को जयराम नेतृत्व में ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ, रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री, दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ईमार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।